अपने हिंदुओं के टुकड़े पे पलते हैं, ठीक है, नाम छुपाने से डरते हैं। बनाने की बात की है ना, संविधान पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है योजना 300 योजना चलती है सिर्फ मुसलमानों के लिए? मालूम होगा आपको भी, 300 योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए चलती है, अल्पसंख्यक कर करके हमने ताकत लगाई आपकी योजना आई है तो नेम प्लेट की बात की नाचने लगे। भगवान खाने के लिए देगा ना, हमारे भगवानों के नाम से तो ये जी रहे हैं, माँ दुर्गा भोजनालय, और श्री कृष्णा भोजनालय, फलाना धमाका। हाँ जब एक मिनट बात हो, फिर हिंदू पार्टनर, एक मिनट हिंदू सुनो, अरे 99% मेरी गारंटी है, अगर होटल हिंदू खोलेगा तो पार्टनर मुस्लिम नहीं रहेगा। आलम जी क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर किया नेम प्लेट लगाना अनिवार्य दुकानों के आगे, नाम से क्या प्रॉब्लम है, नाम नहीं लगाया जा रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? कहाँ विरोध कर रहा है, जितने भी जो मुजफ्फरनगर से लेके और हरिद्वार रोड तक सारे तो मतलब चेंज कर दिया है। जरूरी था ये काबर का टाइम ही सावन में ही, 7 साल से योगी की सरकार है यूपी में, पहले से क्यों नहीं ये लगाया कानून, ये काबर का टाइम में ही क्यों? और मोदी के जिगरा है, योगी का जिगरा है, जैसे ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है वैसे जिगरा है, तो वो सनातनी वक्फ बोर्ड बना कर दिखावे, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़ा करवा के अपना जो रोटी सेक रहा है। झगड़ा कैसे हो जाएगा हिंदू मुसलमान जो झगड़ा करवा रहा, मैं क्या एक बार कैसे हो जाएगा, वो तो हम पूछ रहे हैं किसी से आपका नाम पूछा जा रहा है तो झगड़ा कैसे हो जाएगा? इसमें नफरत नफरत फैलाने वाली बात है, नफरत वक्फ बोर्ड बनाने की बात की है ना, संविधान पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है योजना 300 योजना चलती है सिर्फ मुसलमानों के लिए? मालूम होगा आपको भी, 300 योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए चलती है, अल्पसंख्यक कर करके हमें एक भी योजना हमें नहीं मिला है, नहीं मिली एक भी, बताओ झूठ बोलो सरासर झूठ बोलो, एक मिनट राशन भी ये ले रहे होंगे, अरे बीजेपी का जी, अरे एक मिनट बीजेपी ने जो रोड बनाया उस पर आप नहीं चलते हो, नहीं ले रहे हो, मतलब तो जो एक मिनट बोलने दो अरे बताओ, कह रहे 300 योजना मिली नहीं हमें। पहले चीज आपको यार मैं पहले योजना तो सुन लो यार दोस्त, आप बोल रहे हो कि आधार कार्ड, सबसे पहले वक्फ बोर्ड आया, हाँ किसके लिए आया? वो तो मुसलमान को तो आजादी से पहले का टाइम का, आजादी से पहले 47 से पहले का, वाह वाह 47 से पहले का टाइम का है, ठीक अच्छा ठीक है चलो मान लिया मैंने, आप आपके नॉलेज में आजादी से पहले सनातनी का भी वक्फ बोर्ड बनाओ ना आजादी के बाद। सुनिए आपको मैं बता रहा हूँ रुक जी सुन लीजिएगा पूरी बात, ठीक पहले मदरसा आया कितने, एक सेकंड भाई सुनिए तो, मुगल के टाइम पे तो बहुत कुछ रहा है, नहीं आप ऐसे कहेंगे, सुनिए गीता की पढ़ाई नहीं होती, सुनिए बता तो रहा हूँ गीता की पढ़ाई नहीं होती, करनी चाहिए भाई, कानूनन हमें बैन है, हम नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते क्यों? क्योंकि अभी तो ये इतना बोले कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि भाई मोदी बात नहीं है, मोदी की बात नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए हम पीस पी के सह रहे हैं कि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ठीक है? लेके भेज रहा उसमें कह रहा है तुम जो है ना असलम खान लिखो, तुम जो रवि कांत लिखो, तुम जो पवन कुमार लिखो, कौन बोला हाँ दुनिया देख रहा है, दुनिया देख रहा है, हमने ताकत लगाई आपकी योजना आई है तो नेम प्लेट की बात की नाचने लगे, हमने 20 पीना स्टार्ट कर दिया, आप भी पीजिए ना, आप भी साथ दीजिए, नेम प्लेट लगवाइए, क्यों रोक लगा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? सहारनपुर से लेके मुजफ्फरनगर से लेके सारा तो जितना भी होटल था सारा तो चेंज तो कर ही दिया है, आखिर नेम प्लेट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नेम प्लेट आप क्यों लगाना नहीं चाह रहे? लगा तो रहा है भाई, कौन कह रहा है, विरोध किस बात का हो रहा है? कोई विरोध तो कर, जो भक्त है ना वही विरोध कर रहा है, अच्छा। अपने आप हिंदुओं के टुकड़े पे पलते हैं, ठीक है, नाम छुपाने से डरते हैं, कर रहा है भाई। फिर जब अपना नाम क्यों छुपा रहे हो, फिर भाई हिंदू देवी देवताओं का नाम लगाते हो, स्कैनर करो फलाना नाम आता है, तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो, जो बुर्का तुम्हारी बहन बेटी पहनती है जब अपनी पहचान नहीं छुपाती वो जाती है, तुम अपने दुकानदार पे क्यों अपना नाम छुपा के तुम अपने दुकान चला रहे हो, फिर तो तुम हिंदू के टुकड़े पे पल रहे हो, फिर तो तुम हिंदू के टुकड़े पे पल रहे हो, तुम हिंदू के नाम के तुम सपोर्ट लेके तुम सारा काम चला रहे हो, तो फिर तुम काफी टुकड़े पे पल रहे हो,
ये चीज बोलो ना आपको कि यूपी सरकार जो ऑर्डर लेकर आई है मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो है उसको बहिष्कार करने की। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। देखो भाई सबके अपने धर्म आस्था, मुहर्रम होता है, मुहर्रम में भाई किसी को आस्था का केंद्र मान के वो भी निकलते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाई जाती। इंद्रलोक तक भाई 10-10 एम्बुलेंस और 10-10 ये फायर ब्रिगेड थी, जाम थी, कुछ बोला किसी ने? सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे भाई। अब कांवरिया भाई कह गए, वो अपने लाइन में आते हैं आराम से, कोई भी रॉन्ग साइड से आता है और भाई वो मैं कोई भी इंसान हो सकता है, वो आके सुनो और फाइन ही बरसाता, फूल नहीं पत्थर बरसाता है। अरे एक मिनट, हम समझ रहे थे कि कट्टर है, सुनो ये कट्टर नहीं, अरे कट्टर नहीं है पत्थर है, कट्टर नहीं है पत्थर है। अब आप बताओ एक मिनट, हमारे भगवानों को ये बोल रही भगवान, एक मिनट, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भगवान खाने के लिए देगा ना, हमारे भगवानों के नाम से तो ये जी रहे हैं, माँ दुर्गा भोजनालय, माँ और श्री कृष्णा भोजनालय, फलाना धमाका। हाँ जब एक मिनट बात, फिर हिंदू पार्टनर, एक मिनट हिंदू सुनो, अरे 99% मेरी गारंटी है, अगर होटल हिंदू खोलेगा तो पार्टनर मुस्लिम नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है तो मीडिया वाले को भेज दो। अबे मीडिया वाले को क्या मीडिया? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम खाना खा लो तो सब मतलब अच्छा ठीक है, उसमें हिंदू पार्टनर रखता है, पेमेंट करने जाओ तो कलीम से, खलीम से, नलीम से, दलीम से भी पार्टनर रखता है। हाँ बताओ मुझे, मुझे हाँ पेमेंट करने जाओ तब पता चलता है भाई। हाँ नफरत ले, ये मतलब नफरत को निकाल दो, मोहब्बत ले आओ दिल में, नफरत मत फैलाओ। मैं नफरत ही नहीं, सुनो मैं एक मुस्लिम, एक मिनट, चाहते हो कि प्यार मोहब्बत से रहे हिंदुस्तान में 140 करोड़, लेकिन नेम प्लेट में क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किस बात का हो रहा है? अरे मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, वो माय लॉर्ड की जगह मियां लॉर्ड बन गए हैं, उनको दिक्कत होती है नाम प्लेट से खारिज कर दिया जो, वो माय लॉर्ड नहीं मियां लॉर्ड है। कोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं जाएंगे ना। सुनो मैं बताता हूँ, देखो मुझे नहीं पता, एक मुस्लिम आंटी ये बोल रही थी एक मिनट कि एक वो होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी, और वो थूक कर देते हैं, मतलब थूक करते हैं, सही है बताओ? वीडियो वायरल होते, गलत है वो? और उसका थूकना मूतना ऐसा ही गलत है? बताओ मुझे, आप बताओ मुझे। जिस प्रकार से सुनिए आप कह रहे नेम प्लेट का, सुनिए ना बात, छोड़िए हमें, क्वेश्चन सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। लेकिन जिस प्रकार से थूक जिहाद चल रहा था, लोग खानों में थूक रहे थे, फलों को गंदे नाली के पानी से धो रहे थे, इस प्रकार का वीडियो कई वायरल हुआ, तो हिंदुओं के मन में एक वो पैदा हो गया कि भ्रम पैदा हुआ कि हमें मुसलमान की दुकान पर जाएंगे तो हमें इस तरह का खाना मिलेगा। कुछ जो है संप्रदाय मतलब कुरफाती होता है ना, वो हालांकि उसकी ना दुकान होता है, वो 10 किलो 20 किलो सेब अनार केला बादाम लेके और थूक थूक दिया, गंदा पानी डाल दिया और वायरल कर दिया। उसे सिर्फ क्या होता है कि उसे जो धर्म ये है, कितने मुसलमान उसका विरोध किए, उस मुसलमान का जो मुसलमान पूरे समाज को गंदा कर रहा है, उस मुसलमान को कितने मुसलमानों ने विरोध किया? जो इंसानियत अगर अंदर होगा उसके अंदर वो करेगा उसका विरोध करते तो ये नौबत नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता है। वो कुरफाती होगा जो इस तरह का करता है। परेशानी क्या है भाई, उसका तो हिंदू को भी सम्मान करना चाहिए, मुस्लिम का भी है कि आप अपना नाम पहले लगा कर जियो, मैं अपना नाम। अरे आप मुझे बताओ, जैसे अपना नाम लिखने में दिक्कत क्या है आपको, मतलब नाम छुपाते तो यही दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भाई कि कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिखेगा, मेरी 100% गारंटी किसी भी, ठीक है? ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, क्या है हिंदू के चुप होने के नाते? ऐसा नहीं, अब एक बात मुझे बताओ कि ठीक है एक वीडियो वायरल होगा, ठीक, मूतने वाला भी वायरल होगा, थूकने वाला भी वायरल होगा, एक वीडियो से क्या पूरे मुसलमान समाज को आप गंदा करेंगे? मैं पूरे मुसलमान की नहीं, जो ये काम करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि ये वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है? अभी सुनो, और जो कोई गलत करता है ना, जो गलत करता है या थूक रहा खाने में और किसी ने देख लिया, सीधा उधर सजा दे दो, पकड़ के साले को निकालो, ईमान से उम्र कैद कर दो साले को जो कोई गलत कर रहा है। नेम प्लेट लगाने में प्रॉब्लम क्या है यार? भोले मैं ये कह रहा हूँ, अगर नाम प्लेट ही टांगना है तो मोहब्बत की दुकान टांग लो भाई, हिंदू नाम की जगह पता लग जाएगा मोहब्बत की दुकान है, वो नाम टांग लो। ये भी बात सही है, फिर तो फिर जब हिंदू के, जब तुम हिंदू के टुकड़े पे यार नाम लेके लगा के तुम खा पी रहे हो और उसी को थूक के और उसी को चाट पूछ के तुम हिंदू के आस्था के साथ खेल रहे हो, ये तुम्हारी अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है? गलत बात है। तो उस चीज को तुम मानते नहीं और तुम कहते हो भाई नहीं, सजा दो मुसलमानों के लिए इंसानियत है, हिंदुओं के लिए इंसानियत है। सजा दो बिल्कुल। मुसलमान विरोध करने के लिए सामने आए जो थूक रहे थे खानों में थूक रहे थे, इन सब मुसलमानों, कितने मुसलमानों ने, जो कोई गंद कर रहा है तो सीधे सजा दो या साले फांसी लगवा दो। देती तो है लेकिन वो अच्छे मुसलमान नहीं आते ना, नहीं आते ना, फिर उस टाइम में भाई हम जैसे लोग भाई सेकुलर बन जाते हैं, ठीक है, घर में छुप जाते हैं और फिर अच्छे मुसलमान होते हैं उनको भी रोक लिया जाता है, फिर जो जो काम करने वाले होते हैं अपना काम करके चले जाते हैं।
असल में क्या था, योगी का कुर्सी यूपी में योगी का कुर्सी जाने वाला था, अब उसे जो है कुर्सी उसे बचाने के लिए, अरे भाई योगी का कुर्सी जाने वाला था, केशव प्रसाद बनने वाला था, उसे जो है कुछ नया जो है टॉपिक लाना था। तो क्या हो रहा है ये, दिल से नहीं मिल रहा है। अरे भाई पहले अपनी बहन के भाई बन जाओ यार, माँ कसम अपनी बहन के भाई बन जाओ आप लोग। मैं भाई मैं यही रियलिटी बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो भाईचारा है, क्या भाईचारा है, ये पहले अपने बहन के भाई बन जाए। चलिए यार एक बार और मिल दे यार, लीजिए आप भाई बना लीजिए, अब क्या दिक्कत है। निपटना रहा यार आप मुस्लिम है? हाँ जी मुस्लिम हूँ मैं। आप भाई मानते हैं इनको? हाँ मैं मानता हूँ, मेरा भाई है। लेकिन कह रहे भाईचारा बचा कहाँ है? अब यार कहे का चारा, जो कोई गलत कर रहा है तो एक तरफ आप भाई मान रहे हैं इनको, लेकिन नेम प्लेट नहीं लगा रहे। कावड़ी नेम प्लेट की बात छोड़ो, मैं मेवात गया पहले सोमवार को, 5,000 सैनिक खड़े थे, क्या जरूरत थी? अगर इतना भाईचारा होता पिछले बार पत्थर नहीं मारते मेवात में, नू में, नालड़, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भूमि थी, जहाँ गैया चराने भगवान श्री कृष्ण जाते थे 5,000 की तादाद में, वहाँ 4 हिंदुओं का सिर्फ घर है, 4 हिंदुओं का मेवात में, वहाँ जाके देखोगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो सेकुलर का जो ये चोला पहन के घूमते हैं ना, जो ठेकेदार हैं, एक बार उनसे कहना चाहूँगा, दो गले हिंदुओं से, वहाँ एक बार मेवात मुँह में जाके जाओ तब पता लगेगा तुम्हें। और वहाँ पत्थर लेके हाथ में खड़े होने की क्षमता थी उनके पास, वो तो सेनाओं की सुकृति की, वहाँ पे वो 5,000 सैनिक लेकर खड़े थे, तब हम लोग अच्छे से यात्रा कर पाए और वापस हम जल चढ़ा के आए पहले सोमवार को। ये चीज है मुसलमान, अगर कोई मुसलमान भाईचारा के हाथ आगे बढ़ाता है, बात सुनिए। अरे यार उनसे क्यों लड़ रहे हैं आप? आपको पता है वो नशे में है इस समय, ठीक है? हमारा सवाल ये है, अगर कोई मुसलमान भाईचारा के लिए अगर हाथ बढ़ाता है तो प्रॉब्लम क्या है? भाई भाईचारा मैं कहना चाहूंगा, पहले अपने बहन के भाई बन जाए, फिर हमारे भाई बन। अपने बहन के भाई बन जाओ, रक्षाबंधन बनवाओ, हिंदुओं के बहनों से राखी बंधवाओ। हाँ ठीक है, राखी बंधवाइयो, मुझे एड्रेस ले ले, कार्ड ले ले।